अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एनएमडीकेट के प्रिपरेशन या ईटा के प्रिपरेशन के लिए मैंने तकरीबन सिलेबस के तमाम चैप्टर्स की समराइज्ड वीडियो और इम्पोर्टेंट सीक्यूज शेयर किए थे। ये इलेक्ट्रिसिटी मुझसे रह गया था और इसके लिए काफ़ी बच्चों ने वेट किया। सो अभी तो दो तीन दिन है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी इस 15-20-25 मिनट की वीडियो से आपके 2-3 एमसीक्यूज में इंशाल्लाह हेल्प आपको मिलेगी। सो आप ये वीडियो देख लीजिए अगर आप कुछ समझते हैं कि आज से आपको हेल्प मिलेगी। सो लेट मी स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी के मेन पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स देखते हैं क्या है। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके कोर्स ने सिलेबस ने एमडीकेट पीएमसी सिलेबस में दो टॉपिक हैं। एक है ओम्स लॉ, पहला है ओम्स लॉ, और जो दूसरा है जनाब वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर और जनाब आला ओम्स लॉ, दोनों में क्या है, दोनों के मेन पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करता हूं और इन्हीं पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। सो देखते हैं ओम लॉ में पहला कमेंट, मैं पहले इसके सारे कमेंट्स आपके साथ शेयर करूं। पॉइंट नंबर 1 अबाउट ओम लॉ, ये कहता है कि हर कंडक्टर में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, लेकिन इस रिलेशन के लिए शर्त है कि टेम्परेचर हर हाल में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, यानी वोल्टेज डबल, करंट डबल, वोल्टेज 4 टाइम, करंट 4 टाइम, वोल्टेज 10 टाइम्स, करंट 10 टाइम्स। लेकिन इस रिलेशन के पीछे राज है कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। इसमें माय डियर स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं कि कंडक्टर से रिलेटेड, कंडक्टिंग मटेरियल से रिलेटेड 6 फैक्टर्स हैं। कंडक्टिंग मटेरियल से रिलेटेड हमारे 6 पॉइंट्स हैं, 6 कॉन्स्टेंट्स हैं। देयर आर 6 कॉन्स्टेंट्स, 6 कॉन्स्टेंट्स ऑफ कंडक्टर, 6 कॉन्स्टेंट्स इन अ कंडक्टिंग मटेरियल। इनमें से पहले नंबर पे है रेजिस्टेंस। मैं इलेक्ट्रिक पावर बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको ओम लॉ के मेन पॉइंट्स बताता हूं, फिर पावर की बात करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है। फिर जनाब आला है कंडक्टेंस, और फिर जनाब आला है टेम्परेचर कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। और 6 मैंने लिखे हैं तो जनाब और भी हैं। एक है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और एक है जनाब आला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और एक है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बजाय रेजिस्टिविटी। सेकेंड पॉइंट ऑफ ओम लॉ हमें कंडक्टिंग मटेरियल के 6 कॉन्स्टेंट बता रहा है, और ये वो 6 कॉन्स्टेंट्स हैं। पहले इनके सैंपल्स, तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिनोटेड बाय अल्फा और समटाइम्स बीटा। तो अल्फा वगैरह से ये भी डिनोट होते हैं। अब सैंपल के बाद ये चीज क्या है, तो इट इज अ पोजिशन, ये क्या है, इट इज अ पोजिशन फॉर चार्ज फ्लो, ये अपोजिशन ऑफ चार्ज फ्लो है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अपोजिशन फॉर चार्ज फ्लो है। इट इज आल्सो अपोजिशन ऑफ चार्ज फ्लो, फॉर चार्ज फ्लो। कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज के फ्लो के लिए जो अपोजिशन होता है उसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी। फिर आप कहें सर दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि हम अपोजिशन को रेजिस्टेंस तब कहेंगे जब लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर अनइक्वल हो, व्हेन द एरिया एंड लेंथ आर नॉट इक्वल, यानी 1 मीटर लेंथ तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ना हो, 2 मीटर लेंथ तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया ना हो, तो उस कंडक्टर के चार्ज के फ्लो या पोजीशन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अपोजिशन फॉर द चार्ज फ्लो को रेजिस्टिविटी कब बोलोगे, व्हेन कंडक्टर्स लेंथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया और लेंथ के न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर हो,
यानी 2 मीटर का लेंथ है तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया हो, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो, तब अपोजिशन को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि ये एक हाफ कंडक्टर की रुकावट है तो इसलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा जनाब, कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस मीन चार्ज पास करने की, चार्ज पास करने की एबिलिटी, ये चार्ज पास करने की एबिलिटी है। और कंडक्टिविटी जो है ये भी चार्ज पास करने की एबिलिटी है, इट इज आल्सो चार्ज पास करने की एबिलिटी, ये भी चार्ज पास करने की एबिलिटी है, सही। लेकिन फिर आप कहें सर इन दोनों में क्या फर्क है, वही बात कि इसका ताल्लुक आम कंडक्टर से है जिसका लेंथ और एरिया बराबर ना हो, और इसका ताल्लुक खास कंडक्टर से है जिसका लेंथ और एरिया बराबर हो। तो कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक स्पेसिफिक कंडक्टर से है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट सेम है। टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर का के साथ रेजिस्टेंस का इंक्रीज, द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशियंट हो तो ये डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी, ये चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और ये होगा डेल्टा रो डिवाइड बाय रो नॉट डेल्टा टी, यानी द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये तीनों आम कंडक्टर जिसका लेंथ और एरिया बैलेंस ना करें, और ये खास कंडक्टर जिसका लेंथ और एरिया बैलेंस करें। अब जनाब ये 6 कॉन्स्टेंट तो है, इन 6 कॉन्स्टेंट की मजीद डिस्कशन है, वी आर डीलिंग द पॉइंट्स ऑफ ओहम लॉ, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ओहम लॉ। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन 4 एस्पेक्ट्स, ये मटेरियल के नेचर पर, ये मटेरियल के टेम्परेचर पर, ये मटेरियल के लेंथ पर, और ये मटेरियल के एरिया पर डिपेंड करता है। और कंडक्टेंस जो है ये भी हमारे स्टूडेंट्स मटेरियल के नेचर पर, मटेरियल के टेम्परेचर पर, मटेरियल के लेंथ पर, और मटेरियल के एरिया पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इट ऑनली डिपेंड्स अपॉन नेचर, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन नेचर के साथ साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी जो है ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑनली नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये नेचर, ऑनली नेचर, ये दोनों टेम्परेचर और नेचर, इनका लेंथ और एरिया के बदलने से वैल्यू नहीं बदलती। कंडक्टर को टुकड़े टुकड़े करो, जब तक मटेरियल और टेम्परेचर सेम है तब तक रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, रिलेशन पे वैल्यूज लिखना चाहता हूं, स्टैंप लगाना चाहता हूं। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, कीप इन योर माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। ये 6 कॉन्स्टेंट जब मैं लिख रहा था तो मैंने इधर कंडक्टिंग मटेरियल लिखा, सेमीकंडक्टर के लिए फिर इनवर्स है, लेकिन ओहम लॉ में हम कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, लेंथ के साथ भी डायरेक्ट है, और एरिया के साथ क्या है, इनवर्स है। कंडक्टेंस का उल्टा है, क्योंकि ये रोकने की सलाहियत, ये पास करने की, तो ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट, इसका इनवर्स, लेंथ के साथ इसका इनवर्स, और एरिया के साथ इसका क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा जनाब, याला मजीद बात करूंगा इनके यूनिट्स की, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह के इनके यूनिट्स क्या होंगे, इनके आप इसमें रिलेशंस क्या होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और ओहम को आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हो। कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओहम इनवर्स, इसको मोह भी लिखते हैं, और इसको ओहम इनवर्स भी लिखते हैं, और इसको सीमन भी कहा जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स होता है। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है तो ये है ओहम मीटर होता है। आप ओहम मीटर इस तरह लिखो,
या इस तरह लिखो, एक ही बात है। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है तो वो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसके उल्टा है ना, तो ओहम इनवर्स को सीमन बोलते हैं, तो आप सीमन और इनटू मीटर इनवर्स बोल सकते हो, मोह मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, यू कैन से मोह मीटर इनवर्स। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी यूनिट या केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स होता है, ये इनके यूनिट्स हो गए। अब इनके मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं आपस में, वो इक्वेशंस क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल डिवाइड बाय ए, इट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इन छह कांस्टेंट के आपस में रिलेशंस हैं। और आर इज इक्वल टू वन ओवर कंडक्टेंस, जी के साथ ये कंडक्टेंस के साथ रेसिप्रोकल है, और कंडक्टिविटी इज वन ओवर रेजिस्टिविटी, ये इनके साथ इनवर्स रिलेटेड है और कन्वर्स रिलेशन रखता है, कन्वर्स रिलेशन रखता है, कन्वर्स रिलेशन रखता है। और सिग्मा वन ओवर रो जो है सिग्मा, ये रिलेटेड है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एल बाय ए और सिग्मा वन ओवर रो। अच्छा जनाब, जाना मजीद रिलेशन देखें, ये याद रखिए कि R और G का प्रोडक्ट वन होता है, सिग्मा और रो का प्रोडक्ट वन होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, रेजिस्टिविटी का यूनिट जरा लिखो, सॉरी इक्वेशन लिखो, तो रेजिस्टिविटी R A बाय रो बन जाएगा, R A बाय L बन जाएगा, मुझे कंडक्टिविटी लिखना है, तो अगर आप इसकी जगह कंडक्टिविटी लिखोगे तो यही इक्वेशन उल्टा L डिवाइड बाय R A, L डिवाइड बाय R A, ये आपके इक्वेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो अक्सर एमसीक्यूज में काम आते हैं वो मैंने आपके लिए डिस्क्लोज किए, बहुत पे मेंशन कर दिए। अब जनाब आला एक और एक दो जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सो अक्सर रेजिस्टेंस के जो एमसीक्यूज आते हैं, रेजिस्टेंस पर एमसीक्यूज आते हैं, और वो एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, ज्यादातर रेजिस्टेंस एमसीक्यूज ज्यादा उठाए हैं, कि अगर ये एक वायर है, कंडक्टर है या वायर है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ये एक लेंथ है L, और ये इसका एरिया है, और याद रखना एरिया, ये सर्कुलर एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन हर एरिया में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये रेडियस होता है। सो याद रखना, अगर आप इस कंडक्टर को स्ट्रेच करते हो, आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मीन खींचते हो, तो खींचने से लेंथ तो इंक्रीज होगा लेकिन एरिया डिक्रीज होगा, और ये याद रखिए कि इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों के आपस में बराबर होंगे, लेकिन यानी लेंथ टू टाइम्स ज्यादा तो एरिया टू टाइम्स कम, और अगर आप कंट्रेक्ट करोगे, श्रिंक करोगे, तो लेंथ टू टाइम्स कम तो एरिया फिर टू टाइम्स ज्यादा। लेकिन याद रखना कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो एरिया में जो चेंज आता है वो रेडियस के स्क्वेयर के मुताबिक आता है, रेडियस के स्क्वेयर के मुताबिक एरिया में चेंज आता है। अगर मैं कहूं कि मैंने रेडियस को 1 ओवर 2 कर दिया, तो हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो एरिया 1 ओवर 4 हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वेयर 4, तो इधर नीचे 4 आएगा। इस बात का ख्याल रखना कि अगर रेडियस पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसका स्क्वेयर लेकर एरिया में चेंज देखोगे, और एरिया के साथ लेंथ भी चेंज होगा। अगर आपने स्ट्रेचिंग वगैरह किया हो तो रियर स्टूडेंट, बस 2-3 मिनट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस के ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं, जस्ट फॉर अ वाइल, ऑनली 2 मिनट्स के लिए। अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास है एक कंडक्टर, और ये एक कंडक्टर है, डियर स्टूडेंट्स, ऑनली 2 मिनट्स का एक क्वेश्चन है, शेयर कर रहा हूं, आपकी इजाजत चाहिए। सो सर इजाजत थे नसीर साहब, मैं थैंक यू। ये है जनाब L, ये कंडक्टर का लेंथ L है, और इसका ये एरिया जो है ये A है, और रेजिस्टेंस R है। अगर मैं कहूं कि मैंने इसका लेंथ 2L कर दिया आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो बताओ द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए ये 2R हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा, ये 8R हो जाएगा, या ये R by 2 हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा कि इसका आंसर क्या है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ ये रिलेशन देखते हैं कि R इज डायरेक्टली टू लेंथ, तो जब लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और 2R,
लेकिन डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें खलल है। मैंने यहां आपको क्या सिखाया कि जब आप लेंथ को स्ट्रेच करते हो तो एरिया कम हो जाएगा। सो लेंथ तो यहां देखो आर एल और ए इनका डायरेक्ट है इनका इनवर्स है। जब आपने लेंथ डबल किया तो ये 2R हो गया लेकिन लेंथ के डबल करने से एरिया हाफ हो जाएगा और इनवर्स रिलेशन मीन कि ये 2 टाइम कम हुआ तो ये 2 टाइम और ज्यादा हो जाएगा और 2R से ये 4R बन जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4R। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी में मैं पावर की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई होप आप देख चुके होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।